आज दोस्तों तीता साग आ गया है। तीता साग का बड़ा बना के दिखाएंगे। आज दोस्तों दालमा बनेगा और तीता साग का बड़ा बनेगा। ये देख सकते हैं बड़ा तीता बना साग, क्या? ये है। हाँ और ये दालमा के लिए सब्जी काटा जा रहा है अभी, ये देख सकते हैं। चुल्ली जा रही थी, देखा चुल्ली ये धनिया पत्ता है दोस्तों, देख सकते हैं अपना बाड़ी में हुआ था ये धनिया पत्ता। और ये तीता साग, दाल में डाला गया धनिया ये पत्ता। दालमा के लिए सब्जी काटा जा रहा है। मम्मी सब्जी काट रहे हैं। তোর সাথে কি জোর আই হইবি ভাল লাগে না রে। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी दालमा के लिए हम सब्जी को उबाल देंगे प्रेशर कुकर में। ये देख सकते हैं सब्जी को अभी प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। 15-20 मिनट के लिए दोस्तों इसको उबाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब देख सकते हैं दालमा के लिए सब सब्जी उबालने के लिए रखा जा रहा है। अभी गैस पे चढ़ा देंगे इसको। दाल भी उसी में डाल दिए सब्जी में। ये दोस्तों नमक डाल दिया इसमें, देख सकते हैं नमक डाल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों प्रेशर कुकर अभी गैस पे चढ़ गया। अभी 10-15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे उबाल देंगे सब्जी और दाल को। चावल बन के रेडी हो गया दोस्तों, देख सकते हैं। अभी माड़ी निकाल रहे हैं, मम्मी बैठ गए यहाँ। देख सकते हैं दोस्तों जो तीता साग है उसके लिए मसाला पीस रहे हैं मम्मी। अभी ये मसाला बनाया जा रहा है। ये मिर्चा मिर्चा है। उसमें लाल मिर्च रखे हैं, आधी 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 लहसुन प्याज, इसको अभी पीस देंगे। जीरा पाउडर, जीरा भी रखे हैं, खड़ा जीरा, लहसुन। अभी अरवा चावल भी है, उसको भी पीसेंगे तीता साग बड़ा बनाने के लिए। अरवा चावल, यह है अरवा चावल, इसको पानी में हम भिगा कर रखे हैं, अभी इसको भी पीस देंगे। तो दोस्तों अभी मसाला पीस दिए हैं, अभी अरवा चावल पीसेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों तीता साग के लिए ये मसाला रेडी हो गया। अभी बड़ा बनेगा इसमें। ये देखिए अरवा चावल का पीसा हुआ अरवा चावल, और ये मसाला प्याज लहसुन आदि मिर्ची लाल मिर्ची ये सब जीरा सब पीस के रखे हैं। अभी बड़ा बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये देखिए दोस्तों मम्मी अभी तीता साग काट रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके काट देंगे। और काट के इसको मसाला में मिला देंगे, देख सकते हैं बहुत बढ़िया तीता साग है। मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों दालमा के लिए जो दाल और सब्जी हम प्रेशर कुकर में उबाल रहे थे वो अभी बन के तैयार हो गया, इसको अभी तड़का लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा दादी माँ अभी कुछ सब्जी वब्जी बना रहे हैं। ये मेरा पड़ोस का दादी माँ है, ये कुछ सब्जी बना रहे हैं, तो मैं सोचा कि इनका भी थोड़ा वीडियो उतार दें। हाय कर दे ऐसे। हाय। ये देख सकते हैं दोस्तों ये भी कुछ, आज तो सब मेरा भी सादा बन रहा है, ये सब भी सादा बना रहे हैं दादी माँ। ये देख सकते हैं दादी माँ। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी मम्मी तड़का लगाएंगे दालमा में।
ये तड़का लगाने जा रहे हैं। लाल मिर्च और जीरा, खड़ा जीरा दाल में तड़का लगाने के लिए। प्याज भी डाल दिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, दालमा अभी तड़का लगा दिए हैं, दालमा अभी बन के रेडी हो गया। चलिए फिर तीता साग का बड़ा दिखा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर दालमा में डालेंगे। और धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, पहले तीता साग को थोड़ा तेल में भूजेंगे ताकि नरम हो जाए। नरम होने के बाद इसको मसाला में मिला देंगे। औरा चावल में हल्दी डाल दिए हैं और नमक डाल दिए हैं, नमक भी डालेंगे। ये देख सकते हैं नमक भी डाल दिए हैं, स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी तीता साग में हम मसाला मिला दिए हैं। अब अरवा चावल भी मिलाएंगे उसी में, अरवा चावल का पेस्ट। ये देख सकते हैं दोस्तों, तीता साग का बड़ा बनना जा रहा है। ये देखिए,
ये देख सकते हैं दोस्तों कि बड़ा बनके अभी तैयार हो गया है। अभी इसको निकाल देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी पालक साग भी हम लेंगे, पालक भी बना के आप लोग को दिखाएंगे। ये पालक साग है। ये देख सकते हैं दोस्तों मैं पालक अभी लेके जा रहा हूँ, आप लोग को पालक बना के दिखाऊंगा, पालक साग। ये देख सकते हैं दोस्तों पालक अभी छोटे छोटे टुकड़े करके काट दिए हैं मम्मी। अभी इसको बनाएंगे पालक। तो दोस्तों अभी पालक बनाएंगे। आप देख सकते हैं पहले तेल छोड़ दिए हैं, इसमें मिर्च और जीरा भी छोड़ दिए हैं और सरसों भी छोड़ दिए। ये देख सकते हैं दोस्तों आधी प्याज और लहसुन इसमें फ्राई कर रहे हैं मम्मी। ये देख सकते हैं दोस्तों कि दालमा अभी पालक में दालमा डाल दिया गया। ये देख सकते हैं दोस्तों पालक अभी बन के रेडी हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ये सब जो बनाए थे सब्जी, दलमा, ये पालक और ये जो तीता साग का बड़ा, अभी मैं खाना खाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली एक छोटी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।